नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। रामपुर में दंगा नियंत्रित उपकरणों के साथ पुलिस ने फ्लैंक मार्च किया। खास बात ये रही कि जिलाधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारी भी इस मार्च में शामिल हुए। मार्च को लीड रामपुर SP और DM कर रहे थे। मुहर्रम के त्योहार को देखते हुए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रामपुर शहर में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें काफी ज्यादा तादाद में पुलिस और PSC के जवान शामिल रहे। इस मौके पर रामपुर SP क्या बोले, सुनते हैं उन्हीं की जबानी। सर, आज फ्लैग मार्च किया गया है तो क्या वजह रही? त्योहारों के मद्देनजर रामपुर का पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि आम जनता को सुरक्षा का भाव पैदा हो। जो सामाजिक तत्व हैं उनको चिन्हित किया गया है। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या पुलिस बल के साथ में हमारे DM साहब और हम फ्लैग मार्च कर रहे हैं। हमारे समस्त अधिकारी कर्मचारी, जिसमें सभी ADM साहिबान हैं, एडिशनल SP, CO, SDM हैं, थाना प्रभारी हैं, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स है जो दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ में है। इनके द्वारा जनता में ये विश्वास पैदा कराया जा रहा है कि उनकी सुरक्षा हमारा धर्म है और आगामी त्योहारों के मद्देनज़र विशेष रूप से फ्लैग मार्च किया गया है। इसमें जो असामाजिक तत्व उनको चिन्हित कर लिया गया है। लगभग 2000 के आसपास लोग हैं जनपद में, जिनको 107-16 कार्रवाई के तहत पाबंद किया गया है। रेड कार्ड नोटिस उनको दिए गए हैं। कुछ नंबर भी हमने सर्विलांस पे लगा रखे हैं। जो असामाजिक तत्व हैं उनको नज़रबंद भी कल कर दिया जाएगा। तो रामपुर का पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि आगामी त्यौहार सकुशल रूप से सम्पन्न।